वैदिक अभिवादन, नमस्ते जी, वैदिक ध्वनि ओम। सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और तंदुरुस्त और अपना और अपने परिवार का ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज है दिनांक 9 नवंबर, आज का दिनांक है 9 नवंबर और आज दिन है मंगलवार का। आज कौन सा दिन है? दिन है मंगलवार का और सब कुछ आज मंगल मंगल होगा, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे? आज सबसे पहले हम करेंगे एक नया व्यंजन। कौन सा व्यंजन? हमने कौन कौन से व्यंजन कर लिए? हमने व्यंजन कर लिए घर, याद है आपको, तो जाना है दरवाजे पर, तो थर्मस लेकर अंदर आओ। दस मुख वाला रावण आया, धनुष से उसको मार गिराओ। और अब आ गए हम कौन से व्यंजन पे? न, न नदी किनारे तोता नाचा। नदी किनारे कौन नाचा? तोता। न नदी किनारे तोता नाचा। तो सबसे पहले करेंगे व्यंजन की, फिर चीजों को पहचानेंगे। सी लिसन स्पीक, आंखों से देखेंगे, पहचानेंगे, कानों से सुनेंगे मैम क्या बोल रही हूँ, बाद में उसको दोहराएंगे। उसके बाद करेंगे हम अक्षर परिचय किताब से अपनी न व्यंजन की कहानी। कौन सा व्यंजन कर रहे हैं आज हम? न, न नदी किनारे तोता नाचा। शुरू करें तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा व्यंजन की। क केला तोड़ा माली ने, क खीरा रखा थाली में, क गन्ने में है पौधा उगाना, घ घड़ी सुनाए टिक टिक गाना, अंग को घ के बाद खिलाना, जो चम्मच से हम खाना खाते, छ छाता लेकर डूबने जाते, जो जहाज है पानी में चलता, जो झंडा है ऊंचा लहराता, यह को नाक से बोला जाता, ट टमाटर में है लाली, ठेला भर कर लाया माली, डमरू बोले डम डम डम, ढोलक बोले ढम ढम ढम, अण को बुलाओ दम दम दम, त ताला है दरवाजे पर, थ थर्मस लेकर अंदर आओ, द दस मुख वाला रावण आया, द धनुष से उसको मार गिराओ। नदी किनारे कौन नाचा? तोता नाचा। न नदी किनारे, न नदी किनारे तोता नाचा। तो ये है व्यंजन गीत और अब हम पहचानेंगे चित्रों को जो न व्यंजन की कहानी में आएंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये रहा हमारा व्यंजन न, ये रहा हमारा व्यंजन न। देखिए कितना आसान है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक गोल कर्व बनाएंगे, कर्व शीरो रेखा न, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व शीरो रेखा न। तो चलिए कहानी के किरदारों से मिले। ये जो लड़का है इसका नाम है न से नकुल, न नकुल, न नकुल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो नकुल क्या कर रहा है? नकुल नहा रहा है, न से नहाना, न नकुल न नहाना, न नकुल न नहाना। न नल, ये क्या है? न नल, न नल, न नल, जिसमें से पानी निकलता है। ये है न नदी, न नदी, न नदी, इसको हम रिवर बोलते हैं, न नदी। और नदी के किनारे क्या है? ये नाव, ये देखो क्या है, ये नाव, न से नाव, नदी किनारे नाव, न नाव। और ये कौन है भला? न से नाना जी और न से नानी जी, नाना जी और नानी जी, नाना नानी, नाना नानी, न से नाना जी और न से नानी जी, नाना नानी, नाना नानी। और ये क्या है? मम्मा भी पहनती है, बहुत सुंदर लगती है पहनकर, क्या है ये? नथ, क्या है ये? न से नथ, न से नथ, न से नथ, न से नथ, ठीक है मेरे बच्चों। और ये सब लोग क्या कर रहे हैं मस्ती में? नाच रहे हैं, नाचना, न से नाचना, डांसिंग, न से नाचना। तो ये सब थे न व्यंजन की कहानी के किरदार और अब हम करेंगे अपने अक्षर परिचय किताब से न व्यंजन की कहानी, तो शुरू हो जाए। तो प्यारे बच्चों, ये रही हमारी अक्षर परिचय किताब और ये है व्यंजन न। कौन सा व्यंजन है ये? न, न नदी किनारे कौन नाचा? तोता नाचा। नदी किनारे तोता नाचा। तो चलिए एक बार किरदारों को फिर से पहचाने। न नाना जी, न नानी जी, न नाना जी, न नानी जी। और ये जो बह रही है ये क्या है? न से नदी, न से नदी। और नदी में कौन नहा रहा है भला? नकुल। और नकुल क्या कर रहा है? नहा रहा है, नहाना,
नकुल नहा रहा है, नकुल और न से नहाना। अरे ज़रा इस साइड देखिए, ये क्या गिर रहा है नीचे नदी के किनारे, नथ, न से नथ, किसी की नथ नीचे गिर गई है, न से नथ, न से नल, न से नल, न से नाव, न से नाव, और ये भला क्या कर रहे हैं मस्ती में, नाच रहे हैं, न से नाच, न से नाच। और अब हम करेंगे कहानी, नकुल नहाने के लिए गया, पर नल पर पानी कम होने के कारण वो पास में बह रही नदी में नहाने लगा। नकुल क्या किया, नकुल ने, नकुल नहाने के लिए गया, लेकिन नल में क्या है, नल में पानी कम है, इसलिए वो कहाँ नहाने गया, पास में बह रही नदी में नहाने लगा, जिसमें क्या थी, जिसमें एक नाव खड़ी हुई थी, न से नाव, जिसमें क्या खड़ी थी, एक नाव खड़ी थी, क्या खड़ी थी, नाव। नकुल के नाना नानी, ये है नकुल के नाना नानी, उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे। नकुल के नाना नानी किसको ढूंढ रहे थे, नकुल को, हर जगह ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते वो कहाँ पहुँच गए, नदी के किनारे, कहाँ पहुँच गए, नदी के किनारे, ठीक है। नाना नानी नकुल को ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पहुँच गए। नदी के एक किनारे पे क्या पड़ी थी, नथ, नदी के एक किनारे पे नथ पड़ी हुई थी, और दूसरे किनारे पे कुछ लोग मस्ती में क्या कर रहे थे, नाच रहे थे, कुछ लोग मस्ती में क्या कर रहे थे, नाच रहे थे, मस्ती में नाच रहे थे। तो ये है आपकी नव व्यंजन की कहानी, कितनी आसान है और कितनी मज़ेदार है, ठीक है। अब आपका क्या काम है, पॉइंट ऑफ फिंगर से आपने इन सब को रीड करना, नकुल नहाना, नाव, नथ, नल, ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि न को लिखना कैसे, एक फन एक्टिविटी के साथ, ओके। तो चलिए।